हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लीगल राइट, लीगल ड्यूटीज एंड थ्योरीज ऑफ राइट। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कूल्स एंड सोर्सेज ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं राइट मीन अ क्लेम, टाइटल एंड लिबर्टीज, पावर एंड इम्यूनिटीज एज समवन टुगेदर, वो होते हैं हमारे राइट। और लीगल राइट क्या हुए? एन इंटरेस्ट विच इज रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, वो होते हैं हमारे लीगल राइट। ठीक है, राइट मीन क्लेम, टाइटल्स और लिबर्टी और हमारे जो पावर्स होती हैं, इम्यूनिटीज होती हैं, वो समन टुगेदर हो गए तो वो हो गए राइट। एंड रेमेडीज लीगल राइट, कौन लीगल राइट कौन हुए? ऐसे राइट जो कि रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्टेड बाय लॉ है वो होते लीगल राइट। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं राइट्स की। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट, अ राइट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ प्रोटेक्ट राइट। एक ऐसी राइट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो परफेक्ट राइट है, और एक ऐसी राइट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो इम्परफेक्ट राइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टाइम बार डेब्ट। टाइम बार डेब्ट क्या होता है? एक हमारा इम्परफेक्ट राइट होता है, बिकॉज इट इज अ राइट विच इज रिकॉग्नाइज बट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टाइम बार डेब्ट होता है वो इम्परफेक्ट राइट होता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ है बट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, जो बोला है एक डेब्ट इज अ टाइम बार कब होता है? व्हेन नॉट रिफंडेड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जो कि हमें लिमिटेशन एक्ट में जो लिमिटेशन दी गई है उसमें, एंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द रिकवरी ऑफ मनी इन अ 3 ईयर। ठीक है, जब बोले 3 ईयर तक रिकवरी की मनी रिकवरी के लिए वो सूट फाइल नहीं करता अंडर लिमिटेशन एक्ट, तो बोले सूट फाइल नहीं करता, देन जो डेप्ट है वो बिकम टाइम बार्ड हो जाता है और उसका राइट जो है बिकम इम्परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राइट एंड रैम और राइट एंड परसोनम। राइट एंड रैम क्या हुआ? जो कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है उसे हम बोलते हैं राइट एंड रैम। जैसे कि एक पब्लिक रोड पर चलना हर पर्सन का राइट है, उसे हम बोलेंगे राइट एंड रैम, क्योंकि वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। और राइट एंड परसोनम क्या हुआ? ऐसा राइट जो कि अगेंस्ट एन इंडिविजुअल है वो होता है राइट एंड परसोनम। जैसे कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने उसकी ब्रीच कर दी, जब एक पार्टी जिस पार्टी ने ब्रीच करी यदि उसको हमने स्यू करना हो, मतलब उसके खिलाफ जो है केस फाइल करना हो, तो उसी के पर्सन के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं ना जिसने की ब्रीच करी है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा राइट टू इंडिविजुअल राइट इन पर्सोनम। ठीक है, जब हमें इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट मिलता है। और नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी राइट एंड पर्सनल राइट। प्रोप्राइटरी राइट कौन होता है, क्या होता है राइट? प्रोप्राइटरी राइट वो राइट होता है जो कि हमें ऐसा राइट जो कॉन्स्टिट्यूट करे अपनी स्टेट और हिज असेट्स एंड द प्रॉपर्टी, मीन जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे कि किसी भी पर्सन का इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी सिग्निफिकेंस जो होगा वो, और एंड एलिमेंट ऑफ वेल्थ हो गया, वो हो गया हमारा प्रोप्राइटरी राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन की पॉकेट में कितने पैसे हैं और उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसकी लैंड, उसका हाउस, वो सब हो गया हमारा प्रोप्राइटरी राइट। और हमारा पर्सनल राइट क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड पर्सनल राइट जो है वो एलिमेंट है पर्सन की वेल बीइंग का। बोले दे हैव नो मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राइट ऑफ रेपुटेशन जो है, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम अ बॉडली हार्म, वो हो गया हमारा पर्सनल राइट। जो कि हमारे पर्सनल, जैसे कि कोई पर्सन हमारी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है तो वो हमारी पर्सनल राइट है। हम उसके हम तो बोल सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल राइट है, तो जैसे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे पर्सनल लिबर्टी, हमें राइट है, हम कहीं भी जो है आ जा सकते हैं, फ्रीडम है हमें कुछ भी बोलने की, वो हो गया हमारा पर्सनल राइट। ठीक है, नेक्स्ट है राइट इन रीप्रोप्रिया एंड राइट इन एलिनिया। रीप्रोप्रिया क्या होता है? मीन द राइट ओवर द अपनी ऑन्स प्रॉपर्टी। मतलब एक पर्सन को जब राइट मिलता है अपनी प्रॉपर्टी पर,
कि वो अपनी प्रॉपर्टी में रह सकता है, आ सकता है, मतलब जो मर्जी है वो कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी में, वो हो गया उसका राइट इन रीप्रॉपर्टी। एंड राइट इन री एलिनिया क्या होता है, मीन एक राइट जो ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी पर जो राइट मिलता है तो उसे राइट इन री एलिनिया बोलते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी पर्सन ने सेकेंड फ्लोर जो है वो अपना किराए पर लिया है, तो वो सेकेंड फ्लोर पर जाने का जो रास्ता है वो किसी और पर्सन का है, वो नीचे वाले जो लोग रह रहे हैं तो उनका रास्ता है जो कि उस बिल्डिंग के ऑनर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें राइट है कि हम जब भी जाएंगे, आएंगे जाएंगे तो हम उन्हीं जो स्टेयर्स हैं उन पर उसी से जाएंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा राइट इन एलिनिया, जब हमें किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर राइट मिलता है तो वो होता है वो राइट इन एलिनिया। एंड प्रिंसिपल राइट एंड एसेसरी राइट क्या होता है, पहला है एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल राइट जो है इंडिपेंडेंट होता है टू ऑफ एनी अदर राइट, बट एसेसरी राइट जो है वो एंसिलरी होता है टू द प्रिंसिपल राइट। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन का जो राइट है वो प्रिंसिपल राइट है, मतलब किसी का ऑनर, उसको अपनी प्रॉपर्टी का राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, उस ऑनर जो उस ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, वो एक प्रिंसिपल राइट है उसका। और एसेसरी राइट क्या हो गया, एक राइट टू मेंटेनेंस, मीन एसेसरी है वो, जरूरी है राइट टू मेंटेन करना, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को अब मेंटेनेंस देना, वो क्या है एसेसरी राइट, ठीक है, जो कि उसकी लीगली लॉफुल वेडेड वाइफ होगी। और वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट क्या होगा, कंटिजेंट राइट होता है ऑकर्स व्हेन ऑल द फैक्ट हैव बीन कंप्लीट, जब सारे ही फैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। कंटिजेंट राइट होता है व्हेन सम इवेंट आर नेसेसरी, जिसमें कुछ इवेंट जो है जैसे कुछ कंडीशन लगाई जाती है उसे हम कंटिजेंट राइट बोलते हैं। वेस्टेड राइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए क्या है, एक फादर है एस का, जैसे ए फादर है एस का, यदि एस के ए की डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ऑटोमेटिकली एस को चली जाएगी, तो उसका वो वेस्टेड राइट हो गया। एंड कंटिजेंट राइट क्या हो गया, ए का राइट, ए की जो है थ्री बेटियां हैं, मतलब थ्री डॉटर्स हैं, बी सी एंड डी, एंड ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ई के साथ कि यदि वो मेरी बेटी से शादी करेगा, ठीक है, तो उसे 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे, और इफ यदि ई मैरी करता है बी से अब उसकी बेटी से, तो उसको राइट इन इज कंटिजेंट नेचर है, जो उसका राइट क्या है कंटिजेंट नेचर है, ठीक है, जहां पर कंडीशन लगाई गई होती है तो वो होता है कंटिजेंट राइट। नेक्स्ट है पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट क्या होता है, जो कि वायलेशन करता है, बोले ऐसा द वायलेशन ऑफ अ पब्लिक राइट इफेक्ट द कम्युनिटी एज होल, कि जब वायलेशन होती है पब्लिक राइट की तो इफेक्ट होता है सारी ही कम्युनिटी को, और दे आर कॉल्ड क्राइम, ठीक है। और वायलेशन ऑफ प्राइवेट राइट इज कॉल्ड द सिविल इंजरी और द टॉर्ट, ठीक है, जब किसी पर्सन इंडिविजुअल का राइट जो वायलेट होता है तो हम उसे सिविल इंजरी और टॉर्ट में लेते हैं, मतलब उसका जो राइट है वो प्राइवेट राइट है, ठीक है। और पब्लिक राइट में यदि उसका वायलेशन होता है तो वो इफेक्ट करता है सारी ही सोसाइटी पर, और उसे हम क्राइम बोलते हैं। अब देख लेते हैं उसकी थ्योरीज, थ्योरीज क्या क्या है राइट की, विल थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, दो ही थ्योरी हैं, और विल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं हमारे हेगल, कांट और ह्यूम। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ राइट इज इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब एक राइट क्या है, इनहेरेंट एलिमेंट है किसी भी ह्यूमन बिल का, ठीक है, मतलब मनुष्य की इच्छा का, तो उसे हम बोलते हैं विल थ्योरी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन विल एंड द थ्योरी सजेस्ट दैट इट इज थ्रू अ राइट दैट अ मैन एक्सप्रेस हिज विल ओवर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट थ्योरी क्या है, जो कि सपोर्टर्स करते हैं हमारे जर्मन जुरिस्ट एरिक। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, एक लीगल राइट जो है वो इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, कि ऐसा लीगल राइट जो कि लीगली प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को। एरिक से द बेसिस ऑफ द लीगल राइट इज इंटरेस्टेड एंड नॉट विल, एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लॉ इज प्रोटेक्ट द ह्यूमन इंटरेस्ट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और रिजॉल्व करना है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट के बीच में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाउएवर द सालमैन है वो क्रिटिसाइज करते हैं थ्योरी ऑफ एरिक को, ठीक है। अनलीगल ड्यूटीज देख लेते हैं अब, ड्यूटीज क्या है, एक ऑब्लिगेटरी एक्ट होता है, जैसे कि हमें
पर्सन, हम पर्सन को जब भी राइट मिलता है तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज भी होती हैं, जैसे कि हमें राइट टू लाइफ है तो हमारी ये ड्यूटी भी है कि हम किसी दूसरे की राइट टू लाइफ को हार्म ना करें, उसको इन्फ्रिंच ना करें, ठीक है, वो होती है हमारी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी. अ ड्यूटी विच इज ऑब्लिगेटरी एक्ट, एन ऑब्लिगेटरी एक्ट, इट मीन्स दैट एन एक्ट द अपोजिट ऑफ विच वुड बी अ रॉन्ग, एंड दस ड्यूटीज एंड द रॉन्ग आर जनरली को रिलेट. जो ड्यूटीज एंड रॉन्ग है वो जनरली को रिलेट करते हैं. मीन जब भी हम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते, मतलब जैसे कि हमारा हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, किसी दूसरे पर्सन के राइट टू लाइफ को वॉयलेट ना करें. तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं, यदि हम वॉयलेट कर रहे हैं, यदि हमने किसी का मर्डर कर दिया, जैसे हमें राइट है राइट टू लाइफ, तो हमने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. और रॉन्ग जो है वो हमेशा ही क्राइम होता है. ड्यूटी एंड द रॉन्ग जो है वो जनरली को रिलेट करते हैं. और द कमीशन ऑफ द रॉन्ग इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी. यदि कोई पर्सन जो है वो रॉन्ग कर रहा है तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हम सिविल मैटर में लेते हैं कि जैसे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग जो टर्म एंड कंडीशन है उनको फुलफिल करे, ठीक है. तो यदि एक पर्सन जो ब्रीच करता है मतलब रॉन्ग करता है, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो हो गया क्या कर रहा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर रहा है. इसीलिए बोला है इस कमीशन ऑफ द रॉन्ग क्या है, एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है. एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी क्या है, अवॉइडेंस ऑफ रॉन्ग है. क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल ड्यूटी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटी. पॉजिटिव क्या होती है, किसी एक्ट को करना, टू डू एन एक्ट, वो होता है हमारा पॉजिटिव ड्यूटी. और नेगेटिव होता है जब हम हमें हमें ड्यूटी होती है कि हम किसी एक्ट को नहीं करेंगे, मतलब हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करेंगे, हमें कोई ऐसा एक्ट नहीं करना जिससे दूसरे पर्सन की राइट टू लाइफ जो वायलेट हो. यदि हम फिर भी वो एक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी नेगेटिव मतलब तो वो क्या हो जाता है, हमारे द्वारा किया गया रॉन्ग हो जाता है. ये हमारा नेगेटिव ड्यूटी है कि हमें क्या करना है, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, ठीक है. और पॉजिटिव ड्यूटी क्या है कि हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करें जिससे जैसे पॉजिटिव ड्यूटी होगी कि हमारी कहीं ड्यूटी बनती है कि हम क्या कर देते हैं एक सोसाइटी में जैसे ए नॉर्मल पर्सन है फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो हमारी पॉजिटिव ड्यूटी है कि हम क्या कर रहे हैं, करेंगे उस ड्यूटीज को जो भी टर्म एंड कंडीशन दी गई है उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको फुलफिल करेंगे, वो हमारी पॉजिटिव ड्यूटी होगी, ठीक है. और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, उसकी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेंगे, यदि नहीं करना है तो वो हो जाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है. किसी एक्ट को करना होता है पॉजिटिव ड्यूटी और किसी एक्ट को नहीं करना होता है हमारा नेगेटिव ड्यूटी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी क्या हो गया, अ ड्यूटी में भी आइदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी ड्यूटी है इंडिपेंडेंट होती है और सेकेंडरी ड्यूटी डिपेंड करती है बट एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ अदर ड्यूटी, ठीक है. एंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ड्यूटी आर दोज ड्यूटी दैट इज ओन ओनली द स्टेट, ठीक है. एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या होती है, जो कि ऑन की जाती है ओनली विद द स्टेट, एंड ब्रीच ऑफ विच इज कॉल्ड एज अ क्राइम एंड रेमेडी एज अ पनिशमेंट. एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या होती है, जो कि ऑन की जाती है स्टेट के द्वारा, यदि उस ड्यूटी का क्या है ब्रीच हो तो उसे हम क्राइम बोलते हैं. जैसे कि हम मर्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि उस ड्यूटी है हमारी कि हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को हार्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, यदि हमने हार्म किया तो वो क्या हो जाता है, क्राइम हो जाता है. और इसकी रेमेडी क्या है, उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी जिसने भी ऑफेंस किया हुआ है, ठीक है. और रिलेटिव ड्यूटी क्या है, जो ऑन करती है किसी एनी पर्सन के द्वारा, और ब्रीच ऑफ विच इज द सिविल इंजरी दिस इज टॉट, और द रेमेडी क्या है, कंपनसेशन दिया जाता है. ऑस्ट्रियन जो है वो ऑल्सो सपोर्ट करते हैं द व्यू दैट द सर्टन ड्यूटी आर एब्सल्यूट एंड दे डू नॉट हैव द कॉरेस्पॉन्डिंग राइट. फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्यूटी टुवॉर्ड्स द गॉड एंड ड्यूटी टुवॉर्ड्स द स्टेट एंड ड्यूटी टुवॉर्ड्स हिमसेल्फ एंड ड्यूटी टुवॉर्ड्स एनीथिंग. मतलब ड्यूटी टुवॉर्ड्स द गॉड क्या है, हमारी रिलेटिव ड्यूटी है कि हम क्या करेंगे, भगवान के पास जाना है, हमारे हमें मंदिर में जाना है, वो हमारी अपनी ड्यूटी है. और
हमें किसी पर्सन के साथ कुछ गलत नहीं करना, ये हमारी टुवर्ड्स द स्टेट मतलब पूरी पब्लिक के टुवर्ड्स क्या है, ड्यूटी है हमारी कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिससे क्या है सोसाइटी में कुछ ऐसी कि सोसाइटी को उस चीज़ का डर हो, किसी चीज़ का भी डर हो, उस पर गलत इफेक्ट पड़े, वो हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट होगी। और ड्यूटी टुवर्ड्स द हिमसेल्फ, अपनी अपने अपने लिए हमारी क्या ड्यूटी है वो हमें हमें बताते हैं। और ड्यूटी टुवर्ड्स एनिमल कि किसी जानवर के साथ हमें कुछ ऐसा गलत नहीं करना है और जिससे क्या हो उस जानवर को हार्म हो या कुछ भी है, तो उसे हम बोलते हैं ड्यूटी टुवर्ड्स एनिमल। ठीक है, ये होगी हमारी रिलेटिव ड्यूटी। और इसी के साथ हमने ड्यूटी और राइट को पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने थ्योरीज ऑफ राइट भी कंप्लीट किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने वो ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारा ये यूजीसी नेट का फिफ्थ पार्ट होगा आई थिंक। और यदि आपने पहले उससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है तब तक हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।